वेलकम। आज हम बनाएंगे मशरूम फ्राई। जो इसके लिए ये हमने मशरूम अच्छी तरह से वॉश करके उसको कट कर लेना है। टमाटर इसको भी चॉप्ड करना है। ऑनियन उसको भी चॉप्ड कर ले आप। नमक स्वाद अनुसार। गरम मसाला लिया है हमने। करी पत्ता, दर्च, लौंग और थमालपत्र। अगर आपके पास ये पूरा अखा मसाला हम डालेंगे, दर्च, लौंग, ब्लैक पेपर, मरी यानी कि तमालपत्र, सब पूरा अखा मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है अवेलेबल, तो अगर आप खाना ये बनाते हैं कर मशरूम फ्राई तो मुंह में आता है, कहीं लोगों को पसंद नहीं है ये लौंग और इलायची, ब्लैक पेपर सब मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो आप गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बदले। गार्लिक, जिंजर, चिली पेस्ट, जीरा लेना है, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और फ्रेश करियंडा जिसको हमको चॉप्ड करना है। तो ये है हमारे मशरूम फ्राई बनाने की सामग्री। तो पहले हम ये सामग्री ले लें, उसके बाद हम उसको कैसे बनाते हैं वो हम बताएंगे। इनके अंदर हमने तेल लिया है, उसके अंदर हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा जैसे चटकने लगे उसके अंदर हम ये हमने कट किया हुआ ऑनियन, हम ऑनियन अंदर डाल देंगे। उसको अच्छी तरह से भूनेंगे ऑनियन को, और थोड़ा सा ये हो जाए उसके बाद ये ऑनियन हम डाल देंगे। और इनमें ये जो मशरूम फ्राई हम बना रहे हैं, तो आप एक बात ध्यान रखें कि मशरूम जब हम ऐड करेंगे इसके अंदर, इससे पहले ही आप मशरूम को कट करें, नहीं तो पहले से कट करके रखेंगे तो मशरूम काले हो जाते हैं। तो जब ऐड करना होता है उससे 2 मिनट पहले ही आप मशरूम कट करें, ये ऑनियन को भी मिक्स कर लें ऊपर नीचे। और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें के अनुसार, फिर उसको अच्छी तरह से पकने दें। ऑनियन हो जाए उसके बाद उसके अंदर खड़ी लीव डालेंगे, और ये खड़ी लीव और ऑनियन गार्लिक पेस्ट वो डालेंगे। अगर आप चाहें तो चिली आप बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। जिंजर, गार्लिक पेस्ट, तीनों हमने पेश कर ली हैं। तो आप इस तरह से इसमें डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लें। हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालें, मिक्स करें। अच्छी तरह से थोड़ा सा, और उसके बाद कटे हुए चॉप्ड टमाटर है वो डालें और अच्छी तरह से उसको मिलाना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, और फिर मशरूम डालेंगे। तो ये टमाटर डाल दिया है हमने, आप उसको अच्छी तरह से गलने देंगे क्योंकि टमाटर का भी पानी छूटता है। नमक आप स्वाद अनुसार थोड़ा सा डाल दें, मिक्स करें। थोड़ा सा टमाटर गल जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें, बहुत नहीं थोड़ा सा। और फिर ये मशरूम हमने काटे हैं वो मशरूम सारे हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके मशरूम। जब ये टमाटर गलते हैं तब तक आप एक तरफ मशरूम भी काट लें और फिर अंदर डालें। मशरूम डालने के बाद हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी और डाल के हम उसको मिक्स करके ढक्कन ढक के उसको हम पकने देंगे थोड़ी देर, 5 से 6 मिनट तक। मशरूम मिक्स करें, अब उसको ढक्कन बंद करके हम उसको पकने देंगे।
इसके अंदर आप थोड़ा सा लहसुन ले लें, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काला मरी, अगर आपके पास ब्लैक पेपर होल ब्लैक पेपर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये हमने ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया है, थोड़ा सा क्रश किया हुआ। तो गार्लिक के अंदर वो डालें, थोड़ा सा जीरा डालें और फिर इसको अच्छी तरह से क्रश कर लें, थोड़ा सा इस तरह से छोंक के मिक्स कर लें और एक साइड पे इसको रख लें और फिर देख लें मशरूम में पानी तो थोड़ा छूटता ही है, तो उस हिसाब से आप मशरूम में पानी कम ही डालिए। तो ये पक जाए थोड़ी देर के बाद उसको बंद करके गैस पे से उतार लेंगे हम। पूरा मशरूम अभी कच्चा है, थोड़ा सा पकने में मशरूम हो गए हैं, तो आप उसको साइड में निकाल दें, कलर भी डिफरेंट हो गया है, तो उसको साइड में गैस में उतार के रखते और दूसरा एक पैन ले लें, उसके अंदर हम बटर डालेंगे, बटर को मेल्ट होने दें। मेल्ट हो जाने के बाद ये जो हमने कूट के मसाला रखा था, गार्लिक, ब्लैक पेपर एंड जीरा, जो हमने कूट के रखा था मसाला, वो हम पेस्ट बना लेनी है उसको कूट के। तो ये हम इस बटर के अंदर मेल्ट होगा तब हम डालेंगे, पर ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये मसाला जो हम इसमें डालेंगे वो बिल्कुल चिपकना नहीं चाहिए तवे पे, तो और जल ना जाए उसका पूरा पूरा ध्यान रखना है, मसाला जलने ना पाए। तो ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया है बटर, तो उसके अंदर हम ये मसाला छोड़ देंगे। पूरा सब मसाला और इसको अच्छी तरह भुनेंगे, मसाला अच्छी तरह हम भुनेंगे, जलना चाहिए वो ध्यान रखने का है। उसके अंदर उस थोड़ा सा पकने लगे तब इसकी खुशबू, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, जैसे मुंह में पानी आने लगा। तो ये मशरूम वेरी हेल्दी होते हैं खाने के लिए, उसमें आयरन, कैल्शियम सब होता है, तो बहुत ही बॉडी के लिए अच्छा होता है मशरूम। तो ये थोड़ा सा पकने लगे तब उसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला, जो गरम मसाला हमने जैसे आपको बोला था कि आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो और होल सब मसाले वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा होने लगे उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर थोड़ा सा डालें, उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, दोनों को, और फिर उसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करना है, थोड़ा सा गरम मसाला, उसको फिर से तवे पे थोड़ी देर पकाए। उसके बाद ये जो मशरूम है वो सब हम इसके अंदर छोड़ देंगे। वाओ, वेरी नाइस, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, बढ़िया मसाले की। ये अब हमने मशरूम भी डाल दिया है, तो ये पानी पूरा जल जाए तब तक इसको पकाना है आपको। तो थोड़ा सा फुल गैस करके आप हिलाते जाइए और ये पानी सब निकल जाए तब तक इसको भुने। उसके बाद उसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन जूस ऊपर से ऐड कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर थोड़ा पानी निकल जाए तब तक भून लें। पानी पूरी तरह से जल गया है मशरूम फ्राई में से, देख रहे हैं आप प्रॉपर। तो ये आप बंद कर दें गैस, पूरा पानी निकल जाए, उसके बाद
गैस को आप बंद करके ऊपर से धनिया डाल के गार्निशिंग करें और उसको गर्मा गर्म डिश में परोसे। ये हमारी आज की डिश मशरूम फ्राई रेडी हो गया है, तो इसको आप डिश में निकाल के गर्मा गर्म राइस के साथ, चपाती के साथ सर्व कीजिए। खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।